जय श्री राम दोस्तों, आज है 11 डे मेरा 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का। वो सुबह उठ के सबसे पहले वही सेम कंडीशन चेक की मैंने, ठीक है, चल रहा है सही। एंड उसके बाद बैठ के बाहर के नज़ारे देखते हुए मैंने पिया पानी। एंड उसके बाद मैं फ्रेश होके नहा धो के और अब रेडी हो रहा हूँ। मैं चलते हैं अब पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद डेली रूटीन में वही सूर्यदेव जी को जल एंड उसके बाद प्लांट्स को दिया पानी, जो कि मैं डेली करता हूँ। गाइस, ब्रेकफास्ट टाइम अगेन, ओट्स एंड उसके बाद भंजीर। तो चलिए गाइस, एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। करके अब मैं हो गया हूँ रेडी, आज अपने जिम ही जाऊँगा, बीजेपी की ट्रेनिंग नहीं है। उसके बाद चलो बाय शीरो। शीरो को पहले बिस्किट दिए और अब मैं हो गया हूँ रेडी, अपने जिम जाता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है आज। और अपने जिम पहुँच के मैं बस रेडी हो रहा हूँ अपने प्री वर्कआउट मील यानी कि बनाना के लिए। सो गाइस, आज है 11 डे, 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का मेरा। बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं, day 1 to day 10, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। गाइस, आज मैं करने वाला हूँ बैक की कुछ नई एक्सरसाइजेस, कुछ न्यू एक्सरसाइजेस। और बिगनर्स प्लीज़, जो लोग मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं, इन एक्सरसाइज को प्रॉपरली वॉच कीजिएगा, तभी जाके इनको फॉलो कीजिएगा। एंड गाइस, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एम रॉय ट्रांसफॉर्मेशन। एंड फेसबुक पेज महेश नेगी, माई इंस्टा हैंडल इज़ महेश फिट 100। तो जिनको भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है मेरे साथ, तो वो लोग मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आज करने वाला हूँ मैं बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट, तो चलिए वार्म अप के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, वार्म अप मैंने किया एंड स्ट्रेचिंग करी एंड उसके बाद ये आप न्यू एक्सरसाइज देख रहे होंगे, ये असिस्टेड लैट पुल वन आर्म है गाइस। ये इंक्लाइन बेंड में परफॉर्म होती है, आप देख सकते हैं मूवमेंट को। जो बिगनर हैं वो प्रॉपरली वॉच करके ही इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। सो ग्रेट डेट एक्सरसाइज एंड साथ मैं सुपर सेट कर रहा हूँ आज विद स्ट्रेट आर्म रोइंग के। तो दोनों के मैंने 4-4 सेट्स विद 20-20 रेपिटेशन परफॉर्म किए। देन उसके बाद सम हैवी लिफ्ट्स, यस टी बार, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज ओवरऑल मसल ग्रोथ के लिए गाइज, वन ऑफ माई फेवरेट एंड बेस्ट एक्सरसाइज। सो बिगनर्स प्रॉपरली वॉच करके मूवमेंट को सेट करें, तभी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। देन उसके बाद की थोड़ी बहुत पोजिंग, ज़्यादा फर्क तो नहीं है बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। देन उसके बाद वाइड हैंडल से मैंने किया सीटेड रोइंग, जो कि मेरे अपर बैक एंड मिड बैक पे वर्क कर रही है। देन उसके बाद अगेन इंक्लाइन बेंच पे मैंने लैट पुल असिस्टेड परफॉर्मेंस किया है गाइस, अब देख सकते हैं ये मॉडिफाइड है। EZ बारबेल लगा रखी है मैंने इसमें केबल पे एंड प्रॉपरली वॉच कर लीजिए। एंड इसके ही मैंने 4-4 सेट्स विथ 20-20 रेपिटेशन परफॉर्म किए। देन उसके बाद बिहाइंड नेक लैट पुल डाउन, बॉडी बिल्डर्स की फेवरेट, यस, जैसे मैंने बताया अपनी पुरानी वीडियोस में कि ये पोजिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है गाइस। एंड हाई एयर रेपिटेशन के साथ मैं हाई आर्म रोप पुल कर रहा हूँ, तो ये फाइबर्स जब आप देखेंगे कि फैट परसेंटेज कम हुआ है, तो बेस्ट फाइबर्स में विजिबल होते हैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद। देन उसके बाद बोथ आर्म डंबल रोइंग, ये भी मिड बैक एंड आउटर लैट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। देन उसके बाद फ्लैट बेंच पे मैंने परफॉर्म किया पुल ओवर, इसके मैंने 4 सेट्स विद 20-20 रेपिटेशन परफॉर्म किए। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेटेड बैक एक्सटेंशन, सो इसके मैंने 12-15 रेपिटेशन विद 4 सेट परफॉर्म किए। देन उसके बाद मेरा बैक हो गया ख़त्म एंड उसके बाद स्टार्ट कर दिया मैंने बाइसेप्स का वर्कआउट विद डम्बल कर्ल, ऑल्टरनेटिव डम्बल कर्ल विद 12-15 रेपिटेशन 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म किए मैंने। एंड माइंड मसल की कनेक्टिविटी के साथ इस एक्सरसाइज को आप भी परफॉर्म कीजिए। देन उसके बाद गाइस बारबेल कर्ल कर रहा हूँ मैं विद पावर बार, जो चेस्ट की बार होती है उससे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं इस एक्सरसाइज को। और कहते हैं जिसको साइज इंक्रीज करना है, तो गाइस इस एक्सरसाइज को इस बारबेल से परफॉर्म कीजिए तो बेस्ट रिजल्ट है। देन उसके बाद रोप से हैमर कर्ल,
जो कि आपके आउटर ब्रैकेलिस पे वर्क करती है, बैस एक्सरसाइज। देन उसके बाद वन आर्म प्रीचर कर्ल, बैस एक्सरसाइज फॉर योर आर्म। तो ऐसे करके मेरा हो गया वर्कआउट ओवर। सो गाइस, डे 11 का वर्कआउट भी हो गया ओवर। कंसिस्टेंसी इज द की। रिजल्ट्स आपको एकदम से नहीं मिलेंगे, इट विल टेक टाइम। तो गाइस, ऑलवेज फोकस, कॉन्सेंट्रेशन रखिए अपने गोल के ऊपर, कंसिस्टेंसी से डाइट फॉलो कीजिए, रेस्ट रिकवरी बहुत ज़रूरी है, एंड वर्कआउट मिस होता है तो कोई बात नहीं, बट फोकस कॉन्सेंट्रेशन कीजिए कि कम से कम 4 डेज मिनिमम आप वर्कआउट करें। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सो गाइज, पूरी की पूरी सीरीज़ लाइव है, आप जा सकते हैं और देख सकते हैं पूरी की पूरी सीरीज़। एंड गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरा फेसबुक पेज है महेश नेगी, एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, माय इंस्टा आईडी इज महेश फिट 100। एंड सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल आई एम वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज, चलिए आज का हो गया वर्कआउट ओवर, मिलते हैं लंच में। गाइज, हो गया लंच टाइम। ये मैं ले रहा हूँ दाल पालक विद राइस एंड कुकुम्बर। तो चलिए गाइस, एंड चटनी भी है, एंड ये रही गाइस चटनी। तो चलिए गाइस, एंजॉय करते हैं अपना लंच, फिर मिलते हैं आपको। गुड इवनिंग गाइस। तो चलिए, हो गया टी टाइम, बट डेली की तरह रेडी है मेरा मिल्क। तो चलिए पीते हैं और उसके बाद चलते हैं जिम। देन उसके बाद मैं आ गया हूँ जिम। गाइस, सो हो गया डिनर टाइम, और डिनर में आज मैं ले रहा हूँ मिक्स वेजिटेबल। इसमें है पनीर, कैप्सिकम, बीन्स, मशरूम एंड 2 रोटी के साथ कुकुम्बर। चलिए एंजॉय करते हैं अपना डिनर, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, विहान तो सो रहा है। तो गाइस, विहान को आ गई है नींद, और आज हमारा डे 11 हुआ ओवर। तो चलिए आपसे मिलते हैं कल। तो आप सबको गुड नाइट, जय श्री राम, बाय बाय एंड टेक केयर।